नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पिछले साल बॉल टेम्परिंग का दंश झेलने वाली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अब एक और बड़े संकट से जूझ रही है, और वो संकट है खिलाड़ियों का लगातार मानसिक बीमारी का शिकार होना। अभी हाल ही में ग्लेन मैक्सवेल और निक मैडिसन मानसिक बीमारी के चलते क्रिकेट से दूर हो गए थे, लेकिन अब एक और खिलाड़ी ने मानसिक दबाव के चलते क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक 21 साल के विल मानसिक दबाव का शिकार हो गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं को खुद टीम से बाहर होने के लिए कह दिया है। विल को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए 14 खिलाड़ियों में जगह मिली थी। माना जा रहा था कि वो ब्रिस्बेन टेस्ट से डेब्यू कर सकते थे, लेकिन मैच से पहले ही पोकोविस्की मानसिक दबाव का शिकार हो गए। ऐसा पहली बार नहीं है कि पोकोविस्की इस तरह मानसिक तनाव के चलते बाहर हुए हों। इससे पहले फरवरी में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में चुना गया था, लेकिन इस दौरान उन्हें मानसिक दबाव हो गया था, जिसके बाद विल को टीम से रिलीज कर दिया गया था। वैसे आपको बता दें कि विल विक्टोरिया के बल्लेबाज हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया का अगला स्टीव स्मिथ कहा जाता है। साल 2018-19 में अपने पहले ही शीफील्ड शील्ड मैच में उन्होंने दोहरा शतक जड़ डॉन ब्रैडमैन, रिकी पोंटिंग जैसे महान खिलाड़ियों की फहरिस्त में अपनी जगह बनाई थी। विल ने फर्स्ट क्लास करियर में 40 से ज़्यादा की औसत से 1,143 रन बनाए हैं। तो आपको बता दें कि विल काफ़ी छोटी उम्र से ही चक्कर आने और मानसिक तनाव की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अब क्रिकेट से ब्रेक लिया है। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।